वर्ल्ड इन्वेस्टर मैम के मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको लिए चलता हूं आज की टॉप 50 खबरों पे। चलिए आपको लिए चलता हूं, मैंने आपका समय बर्बाद की हो, आज की टॉप 50 खबरें। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कर सकती पूछताछ। सीबीआई ने सवालों की लंबी लिस्ट बनाई, मामले से जुड़े दूसरे लोगों से भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच शुरू की, एनसीबी की टीम की 5 संदिग्धों से पूछताछ। सुशांत की बहन मीतू ने भाई के साथ फोटो शेयर की, लिखा आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, शून्य का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं। फरीदाबाद में सुशांत के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा सीबीआई जांच हो रही है, अब सच सामने आ जाएगा, पूरा भारत उनके साथ है। अठावले ने कहा सबसे पहले हमने ही सीबीआई जांच की मांग की थी। के सिंह साहब को मैंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है कि हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है, और हमें डाउट ये है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई गैंग ने उनको फंसा कर उनकी हत्या की होगी, तो उसी तरह मतलब हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग मैंने सबसे पहले की थी। सुशांत के पिता के वकील का दावा, रिया का इंटरव्यू ड्रामा है, सहानुभूति के लिए इंटरव्यू किया। वकील विकास सिंह ने कहा कि सुशांत को मानसिक बीमार बताने की साजिश रची गई, रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी। लीगल तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन हर आदमी को एक फ्री स्पीच का कंट्री है, फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, इसलिए मेरे को उससे कोई उसके लिए वो नहीं। लेकिन इनका टाइमिंग जो इस इंटरव्यू का टाइमिंग है ना, वो जब ड्रग का एंगल आया उसके अगले दिन का टाइमिंग है। रिया चक्रवर्ती के टीवी इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का निशाना, तुम में इतनी हिम्मत है कि मीडिया में आकर मेरे भाई की मौत के बाद उसकी पवित्र छवि को खराब करो, तुम्हें क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे जो तुमने किया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ट्वीट किया, काश मेरा भाई उस लड़की से कभी नहीं मिलता, बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना और फिर उसे यकीन दिलाना कि तुम बीमार हो और फिर उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस तरह की हेराफेरी है। सुशांत मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया रिया चक्रवर्ती को घेरा, ट्वीट करके कहा रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई मानसिक बीमारी का इतिहास भी नहीं था। सुशांत की पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा सुशांत को कभी मानसिक बीमारी नहीं थी, सुशांत कभी मनोचिकित्सक के पास नहीं गए, सुशांत बिल्कुल ठीक थे। सीबीआई की टीम में शामिल सीएफएसएल के सभी 6 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स 24 अगस्त को मुंबई से दिल्ली लौट गए हैं, सुशांत मामले में इकट्ठा हुए सभी सबूतों की जांच करेंगे। सीबीआई ने एक डीएसपी और सब इंस्पेक्टर को दिल्ली में इन सबूतों की जांच के लिए नियुक्त किया है। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में सुशांत सिंह की बहन प्रियंका का सीबीआई ने बयान दर्ज किया, सीबीआई की डीआईजी गगनदीप ने बयान दर्ज किया, जल्द ही डीआईजी गगनदीप गंभीर मुंबई जा सकती है। खड़े के मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल, सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने अब तक जितने भी बयानों की जांच की है उससे पता चलता है कि मुंबई पुलिस को दिए गए गवाहों के बयान में काफी विरोधाभास है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आखिरी साल की परीक्षाएं रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का आदेश, कहा छात्रों को प्रमोट करने के लिए यूजीसी की अनुमति जरूरी। एनईटी और जेईई परीक्षाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका, गैर बीजेपी शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की याचिका, 13 सितंबर को होने वाली एनईटी परीक्षा रद्द करने की मांग। केंद्र सरकार ने फिर कहा है कि एनईटी और जेईई मेन परीक्षा तय तारीखों पर ही आयोजित होगी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि परीक्षा कराने का फैसला छात्रों और अभिभावकों के कहने पर लिया गया है, परीक्षा स्थगित कर छात्रों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। कई आईटी संस्थानों के निदेशकों ने परीक्षा का समर्थन किया, कहा एनईटी और जेईई की परीक्षा में देरी और शून्य शैक्षणिक स्तर का खतरा है, साथ ही किसी भी त्वरित विकल्प से शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी और इसका नकारात्मक असर होगा। नीट और जेईई परीक्षाओं के समर्थन में देश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में विषय पर विपक्ष पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर इन परीक्षाओं में देरी होती है तो छात्रों का कीमती साल बर्बाद होगा। नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कांग्रेस का देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन, छात्रों की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस का ऑनलाइन कैंपेन। कांग्रेस नीट जी परीक्षा कराने का विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में 31 अगस्त को फ्री डीएलटी की परीक्षा हो रही है जिसमें 6.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि नीट जेईई की तुलना फ्री डीएल से नहीं की जा सकती।
आतंकवादी दाऊद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कई मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने खुद आतंकवादियों की मौजूदगी की बात कबूल की है। आतंकवाद के कैंसर से सभी प्रभावित हैं। आतंकवादियों को पनाह देता है पाकिस्तान, सिर्फ दिखावा करता है। जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे का पाकिस्तान में बड़ा असर दिखा है। सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए आईएसआई ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की कड़ी हिदायत दी है। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की गीदड़ भभकी, कहा भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सेना तैयार है। कश्मीर से भारत ने 370 हटाकर के बहुत बड़ी गलती की है। कांग्रेस में संगठन चुनाव की मांग करने वाले महासचिव गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार के करीबियों को चापलूस बताया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारा गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन अब उन्हें चापलूस ज्यादा प्यारे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जिन 23 नेताओं ने पत्र लिखा था, उनकी मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने की थी। लीडर को कभी कभी ठीक करने के लिए बोलना पड़ता है, वही वफादार होता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि बीजेपी बेहद मजबूत है। कांग्रेस को अगर अगले 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को चुनाव ना कराएं। चिट्ठी लीक होने पर कहा कि उसमें कौन सा नेशनल सीक्रेट था जिससे इतना बवाल हो गया। उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष बंसीधर भगत की विधायकों को नसीहत, कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के लहर के भरोसे पर ना रहें, अगर वोट चाहिए तो जनता के लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से चुनाव रोकने की याचिका खारिज की। कोरोना चुनाव टालने का आधार नहीं हो सकता, कोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग की शक्ति में दखल नहीं दे सकते, याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव टालने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुमति देने से देश में अराजकता फैलेगी और इसके बाद कोरोना फैलने के लिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। दिल्ली के विकासपुरी में तेज रफ्तार कार संतुलन खोकर के फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। कार में सवार दो लोग घायल हुए। बीती रात 11 बजे हुए हादसे के वक्त फ्लाईओवर के नीचे कोई नहीं था। पुलिस जांच में जुट गई। दिल्ली के द्वारका में 25,000 के इनामी बदमाश विकास शौकीन और स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में विकास के पैर में गोली लगी। विकास पर हत्या की कोशिश और धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में शाहगंज कोतवाली में दो सब इंस्पेक्टर और एक मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है। पत्नी के साथ दुराचार की कोशिश की शिकायत दर्ज कराने गए पति की आरोपी पुलिस वालों ने पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी के आदेश से यह कार्रवाई हुई। यूपी के संभल में पुलिस ने दो अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया। 21 अवैध तमंचे, दो बंदूक और 27 कारतूस बरामद किए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में कोरोना मरीज 33,87,000 से ज्यादा हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले सामने आए हैं। 1,057 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। 24 घंटे में 1,840 नए केस आए हैं। 24 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से कुल 1,67,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 4,369 लोगों की जान गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। पूछा, दिल्ली सरकार को कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने से क्यों रोका जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की हर दिन टेस्टिंग 20 से बढ़ाकर 40,000 करने का फैसला किया है। क्योंकि दिल्ली में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं तो टेस्टिंग को डबल किया जाए। डबल करने का रीजन ये था कि भाई कोई ऐसा ना हो कि एक भी आदमी बच जाए। अगर एक बचेगा तो वो 10 को और इन्फेक्ट करेगा, तो उसके आदेश दिए गए थे। परंतु होम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर्स को दबाव डाला गया कि भाई इस टेस्टिंग को ना किया जाए, जो दिल्ली ठीक से मैनेज कर रहा है। अगर दिल्ली टेस्टिंग को बढ़ाना चाहता है तो उसमें मुझे लगता है उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसके अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,718 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,33,568 हुई है। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 355 मौतें भी हुई हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,350 नए केस सामने आए हैं। 30 मौतें भी हुई हैं। मुंबई में अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोरोना को ईश्वर की देन कहा। कहा अर्थव्यवस्था और खराब हो सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सीतारमन ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था में और गिरावट आ सकती है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, तबलीगी जमात के 1,095 विदेशी नागरिकों के लिए लुकआउट सर्कुलर वापस लिए गए। अब तक जमात से जुड़े 630 विदेशी नागरिक भारत से अपने वतन वापस लौट गए हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में कोरोना के मामले सामने आने के बाद वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप था।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे, कई इलाकों में जल भराव है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था पानी, निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गुलमर्ग के तंगमर्ग, मगाम और बीरवा इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पानी घरों में घुस सकता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में नदी में एक टापू पर फंसे गांव वालों को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बचा लिया। MI-17 हेलीकॉप्टर से गरुड़ स्पेशल फोर्स के 2 कमांडोज ने नीचे उतरकर 7 लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया। 7 लोगों में से 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे। मेरठ में लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज कैंपस में MBBS का एक छात्र अपनी सहपाठी के साथ सेल्फी लेने के इरादे से 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने उतारा और हॉस्टल भेजा। पंजाब के अमृतसर में बारिश की वजह से हादसा हुआ है। गुरुनानकपुरा में एक इमारत की छत गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है। लोकल मीडिया के मुताबिक खराब सेहत की वजह से शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है। अमेरिका में लौरा तूफान की वजह से लुसियाना और टेक्सस में भारी बारिश हुई है। तूफान की वजह से 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है, जिससे कई इमारतों को नुकसान हुआ है, कई घरों की